तो दोस्तों फ्लिपकार्ट पे फ्लिपकार्ट बिग दशहरा सेल स्टार्ट होने वाली है और यहाँ पर फ्लिपकार्ट बिग दशहरा सेल के बारे में आज किस वीडियो आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। कल से ये जो सेल है वो यहाँ पर प्लस मेंबर के लिए स्टार्ट होने वाली है और उसके बाद में ये जो सेल है वो सबके लिए स्टार्ट कर दी जाएगी। आज की इस वीडियो में हमसे बात करने वाला हूँ स्मार्टफोन की प्राइस कट लिस्ट के बारे में। काफी लोगों का क्वेश्चन आ रहा है कि भाई प्राइस कट लिस्ट क्या होने वाली है स्मार्टफोन की, कौन कौन से स्मार्टफोन में कितना डिस्काउंट होने वाला है, तो ये लिस्ट हमें कब देखने को मिलेगी। दूसरी चीज ये भी है कि आपके साथ में कुछ ऐसे पॉइंट शेयर करने वाला हूँ जिसको फॉलो करते हुए आपको कोई भी एक नया स्मार्टफोन इस फ्लिपकार्ट बिग दशहरा सेल में परचेस करना है, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। इसके साथ अगर आपने अभी तक यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्लिपकार्ट बिग दशहरा सेल जो है वो 4 अक्टूबर से लेकर के 8 अक्टूबर तक रहने वाली, बेसिकली 4 अक्टूबर को एक दिन ये जो सेल है वो प्लस मेंबर के लिए होने वाली है। अब यहां पर सबसे पहले बात करूं स्मार्टफोन की प्राइस कट लिस्ट के बारे में, तो स्मार्टफोन की जो प्राइस कट लिस्ट है वो अभी तक फ्लिपकार्ट ने रिवील नहीं किया है कि एक्चुअल में कौन कौन से स्मार्टफोन पे कितना डिस्काउंट होने वाला है, कौन सा स्मार्टफोन कितने रुपए का मिलने वाला है। तो प्राइस कट लिस्ट में कहा के लिए कहा जा रहा है कि आज रात को 12 बजे ही प्राइस कट लिस्ट जो है वो यहाँ पर अपडेट हो सकती है। पिछली सेल में ये लोग प्राइस कट लिस्ट बहुत पहले से ही रिवील कर दिए थे जिसकी वजह से जो स्मार्टफोन आउट ऑफ स्टॉक हो गया, काफी लोगों को स्मार्टफोन नहीं मिल पाया। काफी सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने मतलब 10-10, 15-15 जो प्रोडक्ट है एक साथ ही खरीद लिए, डिस्काउंट मिल गया, तो काफी सारे लोगों ने बहुत सारे आईफोन्स मंगा लिए। तो हो सकता है इसके वजह से ही फ्लिपकार्ट ने अभी तक प्राइस कट लिस्ट जो है वो रिवील नहीं की है। इन्होंने नहीं बताया कि कौन सा स्मार्टफोन में कितना डिस्काउंट है और सुनने में आ रहा है कि आज रात को 12 बजे ही प्राइस कट लिस्ट जो है वो यहां पर रिवील होने वाली है। बाकी देखते हैं, हो सकता है शाम को भी जो लिस्ट है वो यहां पर अपडेट हो जाए। तो प्राइस कट लिस्ट जो है वो आपको आज ही देखने को मिलने वाली है। अगर आपके पास में HDFC का डेबिट या फिर क्रेडिट कार्ड है तो आपको 10% का डिस्काउंट देखने को मिलेगा, साथ में EMI ट्रांजेक्शन पे भी डिस्काउंट जो है वो देखने को मिलने वाला है। अब यहां पर कुछ ऐसे पॉइंट आपके साथ में शेयर कर देता हूं जिसको फॉलो करते हुए आपको नया स्मार्टफोन यहां पर लेना है। तो सबसे पहली चीज आपको यह देखनी है कि आपको स्मार्टफोन की प्राइसेस को कंपेयर करना है। जैसे मान लेते हैं आपको डायरेक्टली फ्लिपकार्ट बिग दशहरा सेल में आज रात को 12 बजे जो भी डील्स आपको देखने को मिलेंगी, अगर आप प्लस मेंबर हैं तो उन डील्स की प्राइसेस को आपको कंपेयर करना है फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे सेल के प्राइस से, कि जो स्मार्टफोन इस सेल में मुझे जिस प्राइस पॉइंट में मिल रहा है वो फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे सेल में किस प्राइस पॉइंट पर अवेलेबल था, उसी के हिसाब से आपको डिसाइड करना है। अगर फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे जितनी ही सिमिलर प्राइस आपको इस सेल में देखने को मिल रही है तब तो आप स्मार्टफोन को ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको जो प्राइसेस हैं वो महंगी देखने को मिलती हैं तो इस सेल में आप परचेजिंग ना करें, यही मैं आपको कहूंगा। आप डायरेक्टली वेट करें फ्लिपकार्ट के फ्लिपकार्ट बिग दिवाली सेल का। दिवाली सेल में इस सेल से ज्यादा डिस्काउंट आपको यहां पर देखने को मिलने वाला है। दिवाली सेल जो है वो काफी हिट होती है। तो पर्टिकुलरली मैं स्मार्टफोन की बात कर रहा हूं, अगर आपको फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे सेल जितना डिस्काउंट देखने को मिलता है तो आप ले सकते हैं, नहीं मिलता है तो आप अगली सेल का वेट करिए। दूसरी चीज यहां पर मैं आपको यह बता दूं, पिछले सेल में क्या हुआ था कि जो 4G स्मार्टफोन है वो काफी ज्यादा डिस्काउंट रेट पे हमें देखने को मिल रहे थे, बहुत सस्ते प्राइस पॉइंट पे 4G स्मार्टफोन अवेलेबल कराए गए थे। लेकिन अभी क्या है कि जियो वगैरह की तरफ से, एयरटेल की तरफ से जो 5G है वो इंडिया में लॉन्च कर दिया गया है, काफी सारे जगहों पे 5G अब रोल आउट होना भी स्टार्ट हो गया है। तो अब मैं आपको ये डायरेक्टली रिकमेंड करूंगा कि आप 4G स्मार्टफोन को बिल्कुल भी टारगेट ना करें खरीदने के लिए, आपको एक 5G स्मार्टफोन ही चूज करना है, वही आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और 5G अब ऑफिशियली लॉन्च हो चुका है तो कोई मतलब नहीं है पैसा बर्बाद करने का 4G स्मार्टफोन के पीछे। तो ये दो चीजें मुझे आपके साथ में शेयर करनी थी। बाकी आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप कौन सा स्मार्टफोन प्लान किए हैं खरीदने के लिए सेल में और आप उसे किस प्राइस पॉइंट पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अपना ओपिनियन में जरूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा। अब दोस्तों इधर उस वीडियो में, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, या अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी अभी के भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।